हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मोबाइल कवर कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। तो देखिए, काफ़ी स्टडी सा मोबाइल कवर है और ये नॉन स्लिप मोबाइल कवर है। आप इसे मोबाइल पकड़ेंगे अगर तो आपको अलग ही ग्रिप का पता चलेगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मटेरियल्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैक्रम थ्रेड लिया है और ये काफ़ी पतला है। इसके बाद मैंने इसको बनाने के लिए दो से 2.5 तक mm का आप हुक ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्लिप नॉट डाल लेते हैं। इसके बाद आप मैंने फाउंडेशन चेन 20 चेन्स का बनाई है। आप चाहे तो अपने मोबाइल की विड्थ के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चेन डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 20 चेन डाल ली हैं। अब मैं एक चेन और एक्स्ट्रा डालूंगी और इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। 21। तो देखिए, इस तरीके से फाउंडेशन बेस चेन आपका रेडी हो गई है। अब इसे आप टर्न कर लीजिए और टर्न करने के बाद देखिए, जो ऊपर बैक लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं चेन में, जो पीछे का बैक लूप आपको दिख रहा है, देखिए पीछे की साइड में जो लूप्स हैं इनमें डाल के हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। इसे यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो आपका फाउंडेशन चेन है इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए, इस तरीके से हम एक एक बैक लूप में हुक को इंसर्ट करके और फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो पूरे रो में हमें इसी तरीके से बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाना है। देखिए, इस तरीके से आपकी ये बेस तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम एक चेन डालेंगे और फिर टर्न करेंगे। अभी देखिए, आपकी जो ऊपर से चेन दिख रही है इसमें जो पीछे वाला लूप है उसमें डालकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो देखिए, एक एक जो बैक लूप्स हैं इसमें, इनमें हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो इस पूरे मोबाइल कवर को बनाने में मैंने सिर्फ इसी पैटर्न का यूज़ किया है, बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे। देखिए, तो इस तरीके से हमने बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बना लिया। फिर नेक्स्ट रो के लिए फिर से हमें चेन वन डाल के टर्न कर लेना है और फिर बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाना है। तो आप अपना मोबाइल रख लीजिए और चेक कर लीजिए विड्थ आपकी सही आ रही है कि नहीं। और इसके बाद जहाँ अपना कैमरे का जो विंडो देना है वहाँ तक आपको यही स्टेप्स को रिपीट करना है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से रोज़ बना लिए हैं। तो आप अपने कैमरे का मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से ये डाल लीजिए। अब देखिए, हमें कैमरे के लिए विंडो बनाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 20 में से 7 सिंगल बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम सिर्फ इन 7 सिंगल क्रोशे पर ही काम करेंगे। तो इस तरीके से बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाते बनाते मैं 5 रोज बनाऊंगी, क्योंकि मेरा कैमरा का विंडो थोड़ा बड़ा है तो मैं 5 रोज कवर करूंगी। आप अपने कैमरे के मेजरमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपका विंडो राउंड है, होल राउंड है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर गैप छोड़िएगा।
इस तरीके से हम सिर्फ बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाते जा रहे चलेंगे। देखिए मैंने 5 रोज बना लिए। अब हमने एक साइड से तो इसे हाइट दे दी है, अब सेकेंड साइड से भी हमें इसी तरीके से हाइट देना है। और बीच में जो 6 रोज हैं, मतलब बीच की जो 6 चेन्स हैं, बीच की जो 6 चेन्स हैं उन्हें हम स्किप कर देंगे और लास्ट से 7 चेन्स में फिर से काम करेंगे। तो इसी तरीके से 5 रोज यहाँ पर भी हमें बना लेना है। तो यहाँ पर मैं यार्न कट कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बनाने के लिए हम देखिए इस तरफ भी मैंने 5 रोज बना ली हूँ। देखिए तो इस तरीके से आपका कैमरे का पॉकेट रेडी हो जाता है। अब आप अपने मोबाइल के कैमरे के अकॉर्डिंग मेजरमेंट एक बार फिर चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर हम इसे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए फिर से हम बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। तो 7 चेन्स में तो हमने बैक लूप में बना लेना है ऐसे ही इस तरीके से। तो देखिए अब जो बीच का गैप है उसे कवर करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे 6 चेन्स स्किप किए थे तो अब हम 6 चेन्स एडिशनल डालेंगे और फिर इसे दूसरी वाली साइड के साथ ज्वाइन कर देंगे, बैक लूप में सिंगल क्रोशे डालेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे बैक लूप में। तो इस तरीके से हमारा ये जो है दोनों साइड्स ज्वाइन हो जाएंगे और हमारी विंडो रेडी हो जाएगी। अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से हमने एक चेन डाली है और अब हम फिर इसमें थ्रू आउट बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस रो में। तो कैमरे के ऊपर आपके पास जितना भी स्पेस बचा है उसे कवर करने के लिए हम फिर से बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे वाली रो को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से आप देख लीजिए आपको कितना रोज की ज़रूरत है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 या 2 से 3 रोज ही बनाए हैं बस। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के चेक कर लीजिए कितनी लेंथ है, तो उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 रोज बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एजेस पे वर्क करेंगे क्योंकि हमें जो मोबाइल की जो हाइट है, जो बोलेंगे आपका जो मोटाई है, उसके हिसाब से हमें अब काम करना है। तो सबसे पहले हम जो इसका बॉर्डर एरिया है जो, उसमें हम पूरा थ्रू आउट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस साइड में जैसे हमारा है, यहाँ पे कहीं पे भी हम बैक लूप्स में नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सिंगल क्रोशे हमें बनाना है इस साइड में। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशे आप बना लीजिए एंड तक।
तब देखिए ये एंड तक करने के बाद अब हमें कॉर्नर पर काम करना है। तो कॉर्नर के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर चेन है हमारी उसमें हम एक साथ 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें चारों कॉर्नर्स पर, मतलब चारों जो कॉर्नर वाली चेन है उन सभी में एक साथ 3-3 सिंगल क्रोशे बनाना है, और बाकी सभी में हमें थ्रू आउट द एज बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया पूरा सिंगल क्रोशे से, और इसके कॉर्नर्स भी अब हमें मिल गए हैं। तो इसके बाद आपको ये वॉल्यूम बटन, पावर बटन और चार्जिंग का पॉइंट, या आपके पास हेडफोन्स के लिए अलग से पॉइंट है तो उन सभी के लिए आपको गैप देना है। तो इसके लिए देखिए मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया है यहाँ पे, तो आप अपने फ़ोन में मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से आपको कितने चेन्स को लीव करना है तो वहाँ वहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लीजिए। तो इस तरीके से स्टिच मार्कर लगाने के बाद आपको फिर से कॉर्नर्स पे, जैसे मैंने बताया था आपको, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉर्नर है वो लूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके फ़ोन में ग्रिप नहीं रहेगी। तो अब आप एक बार कॉर्नर डिसाइड होने के बाद दोबारा से एक एक कॉर्नर में 3-3 बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सिर्फ हमें बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो इस तरीके से बैक लूप्स में हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, और जहां पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है उतने चेन्स को अब लीव कर देना है, उनमें बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे नहीं बना के आपको एक्स्ट्रा चेन्स ऐड करनी है। ये देखिए इस स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे नहीं बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें 2 जगह हमने लगाया है, एक पावर बटन के लिए एक वॉल्यूम बटन के लिए। तो उतने चेन्स आप काउंट कर लीजिए, काउंट करने के बाद सेकंड स्टिच मार्कर पर आप उसे ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि हमारा वहाँ पे स्पेस बना रहे। फिर नेक्स्ट गैप के लिए भी हमें इसी तरीके से करना है। और भी आप अपने सेलफोन के कवर में जहाँ पर भी गैप्स दे रहे हैं, जैसे चार्जिंग का पॉइंट अगर आपने वहाँ पे होल देना है, गैप देना है, या फिर हेडफोन के लिए देना है, तो वहाँ पर उतने चेन्स लीव करके आपको सिंगल क्रोशे बनाने हैं, उन चेन्स में आपको बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे नहीं बनाने हैं। तो बाकी पूरे ऑल अराउंड आपको बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। इसके बाद इस तरीके से आप स्टिच मार्कर्स को हटा सकते हैं एक बार आपका वो गैप बन जाए। तो अब थ्रू आउट पूरा हमें बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाना।
तो देखिए इस तरीके से कुछ फोन का कवर आपको दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पे मैक्रेम कॉर्ड लिया है, तो जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी आएगी और ग्रिप भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने रो कंप्लीट कर लिया है। तो आपका देखिए यहाँ पे जो हाइट है, जो या बोलेंगे वृत्त है, जो उसकी मोटाई है फ़ोन की, वो एक आना शुरू हो गई है। तो अब आपके फ़ोन की जितनी मोटाई है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको उस रोज़ को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतने रोज़ बना लिए हैं, 4-5 रोज़ बना लिए हैं, और इस तरीके से मुझे इसका फ़ोन का कवर मिल गया है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस की बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी एक और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।